हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको जानकारी देना चाहते हैं 32 बोर के रिवॉल्वर के बारे में। ये रिवॉल्वर स्मिथ एंड वेसन कंपनी का है। आप यहाँ पर इसका नाम पढ़ सकते हैं आसानी से। ये रिवॉल्वर 1903 मॉडल है। ये हमारे पास 50 सालों से है। हमारे दादाजी ने इसको खरीदा था। ये देखिए, इसका नाम लिखा है। ये 32 बोर का रिवॉल्वर है। बहुत ही स्मूथ एंड इजी टू फायर। आज हम इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। इसमें 6 राउंड फायर कर सकते हैं हम। ये देखो, मैं पहले आपको इसको खोलने का तरीका दिखाता हूँ, इसका हाउ टू लोड इट। बहुत आसान है। आप इसको, जो ये पिन है, इसको आगे को पुश करिए ऐसे, और ये जो हमारी मैगजीन है इसको इधर को पुश करिए, तो ये ओपन हो जाएगा। बहुत ही इजी। ये मैंने जैसे आपको बताया, ये रिवॉल्वर हमारी फैमिली के पास 50 सालों से है। मैं इसके प्राइस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे दादाजी ने 4,500 रुपये का खरीदा था 50 साल पहले, और इंडियन मार्केट में अब इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास है। इसकी ग्रिप पर यहाँ पर लकड़ी लगी है, बहुत ही बारीकी से काम किया गया है इस पर, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पकड़ने में स्मूथ इजी। इसमें हम 6 राउंड फायर कर सकते हैं। मैं आपको लोड कर कर दिखाता हूँ। ये इसके राउंड है, ये 32 बोर के राउंड है। देखिए, मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ बहुत ही आसानी से। बहुत ही आसानी से इन्हें लोड किया जा सकता है। और इसे लोड करने का तरीका सिंपल सा है। इसे उठाइए और ऐसे अंदर को पुश कर दीजिए। ये लोड हो चुके हैं फिलहाल। इसको अब ये रेडी टू फायर है। हम इसे आसानी से फायर कर सकते हैं। बटन दबाइए और फायर करिए। और इसे, इसकी जो गोलियां है उन्हें इजेक्ट करने का तरीका भी बहुत आसान है। इसको पुश करिए आगे को, और इसे देखिएगा, इसे ऐसे पुश करिए और इसे ऐसे खोल दीजिए, ये सब ओपन हो जाएगा। और सारी गोलियां अगर आपको इजेक्ट करनी है, आपने फायर कर चुके हैं, तो सिंपल तरीके से ये पिन है, इस पिन को ऊपर को पुश करिएगा तो सारी गोलियां ऊपर आ जाएगी, बाहर सब ऐसे इजेक्ट हो जाएगी। बहुत ही आसानी से ये इजेक्ट कर चुके हैं। इसको इजेक्ट कर कर मैं आपको इसको फायर करने का तरीका दिखाता हूँ। सिंपल था, इसमें कुछ लोड नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये मैगजीन में गोलियां भरे और सीधा फायर करे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। मैं अब आपको इसकी गोलियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये गोलियाँ इसकी इंडियन मार्केट की है। ये इंडियन मैन्युफैक्चर गोलियाँ है 32 बोर की। इनकी रेंज लगभग 10 से 15 मीटर तक होती है। ये इंडियन मार्केट में आपको 100 रुपीज़ की आसानी से मिल जाएगी। और इधर ये देखिए, ये आपकी यूएसए गोलियाँ है सारी। ये यूएसए से इम्पोर्ट कराई गई है। इनकी रेंज लगभग 20 मीटर के आसपास है। ये इंडियन मार्केट में मिल तो जाती है, लेकिन ये थोड़ी महंगी है। ये 350 रुपये के आसपास आपको मिलेगी इंडियन मार्केट में। ये भी यूएसए से इंपोर्ट कराई हुई गोलियां हैं। ये यहाँ पर इंडियन मार्केट में 450 से 500 रुपये के आसपास आपको मिलेगी। इनकी रेंज जो इंडियन गोलियां होती है उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है। ये 20 मीटर के लगभग आपको फायर करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिंटू डोन के नाम से हमारा चैनल है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं देखो आपको इसके कवर के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। ये इसका कवर है, जो इंडियन मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसमें इसे आसानी से रख सकते हैं।
ये रखी, और इस कवर को हम आसानी से अपनी बेल्ट पर बांध सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत इजी। ये कवर इंडियन मार्केट में 500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट किए बिना मत जाना। अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो से, इस रिवॉल्वर से आपको फायर करके दिखाएं, इसकी और जानकारी आपको दे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में इससे फायर करके और इससे और जानकारी आपको देंगे।